औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये बच्चे जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी, गली में छोड़ गया था कोई, तो मैंने उनको इधर गली में ही रखा हुआ था और उनको दूध वगैरह और गोश्त वगैरह डाल रही थी और ये बच्चे अच्छे खासे यहाँ पर पाल रहे थे, खेल रहे थे। अभी इनको कुछ दिन ही हुए थे। तो ये देखें, आज मैं गई हुई थी बाज़ार और पीछे से किसी गाड़ी वाली, बड़ी गाड़ी थी, और मेरे मियाँ कह रहे हैं कि मैं ऊपर भागता हुआ जब ऊपर गया हूँ, देखा मैंने एक बालकनी में जाके, तो किसी गाड़ी वाले ने जो है इस बच्चे को जो है ना अपनी गाड़ी के नीचे लिए, और इसका पीछे वाला धड़ जो है ना, जो टांगे हैं इसकी, ये देखें, ये उसने मफलोज कर दिए, ये इसको, ये देखें, ये चल नहीं सकता बिल्कुल। इसकी टांगे जो हैं वो बिल्कुल देखें, बिल्कुल वो बेचारा लगा नहीं सकता, बहुत चीखता है जो है बिल्कुल। ये देखें टांगे उसका जिस तरह है, उसकी सीधी होती ही नहीं है। और फिर इसको मैं वो ऊपर ले आई थी अपने उधर, मैंने बालकनी में इसको रख दी है, बालकनी में, और वहाँ पे फिर रखा हुआ है और इसको दूध वगैरह मैंने दिए। तो ये बेचारा चीख रहा था, नाली में पड़ा हुआ था, बिल्कुल नाली में कीचड़ में गिरा हुआ था, क्योंकि चाल तो ये सकता नहीं था, मक्खियाँ ही मक्खियाँ इसके ऊपर। और फिर मैंने इसको ऊपर लेके आई हूँ, इसको नहलाया शैम्पू वगैरह से नहला के, फिर इसको दूध वगैरह दिए और दे के अब मैं इसको जो है ना डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। और आप देखें, तो आपसे मैं यही आपसे बात करना चाह रही थी कि आप लोगों को बताऊँ कि ये देखें, एक छोटा सा मासूम बच्चा है तो ये जानवर का, इंसान का नहीं है, लेकिन इसमें जान तो है, इसको अल्लाह ताला ने बनाया है, इसको पैदा किया है। तो कम अज़ कम मैं आपसे इतना सबसे कहूँगी कि इतना ध्यान रखा करें कि अगर किसी के गाड़ी के नीचे ये आ गए हैं, ये मोटरसाइकिल के नीचे आए हैं, तो कम अज़ कम इसका इतना ख्याल रखें, गाड़ी को रोकें। ज़ाहिर है आवाज़ तो जाती है, टायर को भी, ज़ाहिर है टायर जब ऊपर चढ़ता है गाड़ी के, तो गाड़ी को पता चलता है कि कोई की चीज़ नीचे आई है। तो इतना होना चाहिए था कि कम अज़ कम उसको देखते कि आखिर वो चीख रहा है, इतना बेदर्दी से वो मार के गया कोई उसको, तो उन्होंने पीछे देखना गवारा भी नहीं किया। मैं आप लोगों से इन हिसाब से ये कहना चाहती हूँ, क्या इंसानियत मर गई है कि इतना है कि एक जानदार जीता जागता बच्चा खेल रहा है गली में, उसको मार के जा रहे हो। तो कम अज़ कम अगर चले जानबूझ के नहीं मारा, तो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता, चलो जी इसकी आई हुई थी, तो अगर जानबूझ के नहीं मारा आपने, तो कम अज़ कम गाड़ी तो खड़ी करें, उसको देखें उसको लगी कहाँ है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार के इंसान इतना कि मैं कहती हूँ कि बदतमीज़ और गुरूर में हो जाता है कि उसे पता ही नहीं ये चलता कि हम कर क्या रहे हैं। उसको देखो तो जी, अपनी गाड़ी खड़ी करो, उसको चेक करो कि आया उसको लगी है क्या हुआ है, लेकिन नहीं जी, सब अपने ही ऐसे कि जैसे हम गाड़ी पर बैठ गए हैं और अब हम इंसान नहीं हैं, अब हम उड़ रहे हैं, तो क्या से क्या बने हुए हैं जी, हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी तो है, कभी भी सब कुछ छीन सकता है। जो एक जानदार को आप नीचे ले, जिसको नीचे ले रहे हैं, उसको मुड़ के तो देखो कि आया वो जिंदा है या मर गया है। इतना क्या हो जाना था, कितने की आप लोगों के पैसे लग जाने थे, या आप वो कुत्ते को जानदार या उसमें जान नहीं समझते कि वो कुत्ता है, उसको मारते रहें जो मर्ज़ी करें, कम अज़ कम इंसानियत के नाते किसी को देख लिया करो, पीछे मुड़ के देखा करो, जो कुछ भी है उसकी जान बचाओ, उसको देखो, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। डॉक्टर ज़ाहिर है इनके भी, जानवरों के भी डॉक्टर हैं, उनके भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, देखें उसका क्या हाल करके गए हैं, और उन्होंने क्या, ये वो क्या समझते हैं कि वो अल्लाह की पकड़ से जो है बच जाएंगे, कभी भी नहीं। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो मुझे तो बहुत दुख हुआ है और मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतनी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उन्होंने गवारा नहीं किया पीछे मुड़ के देखना कि कोई बच्चा चीख रहा है पीछे, यानी कि इंसानियत मरी हुई है सबकी। तो अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अब हमारे नबी की तो ये है ही नहीं थी, जो ये जो कुछ आप कर रहे हैं, उन्होंने तो ये सबक हमें दिया ही नहीं था।
तो कम से कम किसी के कहते हैं अगर जान बचाओगे, किसी का आप भरम रखोगे, किसी की जान बचाओगे, किसी के साथ किसी की मदद करोगे, तो अल्लाह ताला उसी तरह आपके साथ करेगा। तो पीछे मुड़ के देख लिया करो, खड़े हो जाया करो, कुछ आपका नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेंगे, आपके साथ भी उसी तरह करेंगे जैसे आप करेंगे। मैं आप इसको डॉक्टर को टीका लगता है। ठीक हो जाएगा। जी
जी यानी कहना एक साल है और जी वीवर्स, अब हमने इंजेक्शन इसको लगवा लिए है, इसकी दवाइयाँ ले ली हैं, कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। प्लीज़ आप किससे भी यही मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनकी मदद किया करें, इनकी देखभाल किया करें। और गली में ये बेचारे अगर आ जाते हैं, कोई छोड़ जाते हैं या कुछ भी होता है, तो इनका थोड़ा सा ख्याल रखा करें। और ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। और अभी हम घर आ गए हैं, अब मैं इसको दवाई वगैरह दूँगी और उसके बाद फिर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर चलेगा, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। इसकी थोड़ी बहुत मुझे केयर करनी पड़ेगी और अब मैं इसको दवाइयाँ दूँगी, क्योंकि ब्रूफन शरबत उन्होंने दिया था दर्द के लिए, ये टैबलेट भी दी थी, और ये इसको दूँगी तो इंशाल्लाह ताला साथ एक्सरसाइज वगैरह भी इसकी कराऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। आप लोगों से भी सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदारा इनकी जो है ना केयर किया करें और इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। बेशक ये जानवर हैं, जो कुछ भी है जानवर हैं, लेकिन है तो इनमें जान, ये मासूम होते हैं, और इनकी प्लीज़ आप कदर किया करें। आप सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि इनके साथ अच्छा बर्ताव करें, जैसा आप करेंगे वैसा ही बनेंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम करे, आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आप सब हमेशा खुश रहें, और अल्लाह ताला आप सबको हर खुशियां दे और बरकतें दे, आपके कारोबार में बरकत दे, और अल्लाह ताला आप सबको जो चैनल बनाए हैं इस चैनल को आपके कामयाब करे। और आप सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब एक दूसरे के चैनल पे लाजमी जाया करें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के चैनल पे हम जाएंगे तो इसी तरह हमारी एक दूसरे की यही हेल्प होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ये ठीक होगा तो मैं वो भी वीडियो भी आपके साथ डालूंगी। अल्लाह।